हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी सरगर्मियां संपन्न होने के बाद एवं दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के उपरांत आज यहां करनाल पहुंचे। करनाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूलों के बुके देकर एवं मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री को दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए जाने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बारी बारी से कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री से मिलकर व परस्पर सहयोग से मुलाकात की गई। मुख्यमंत्री ने बड़े सहज लहजे से सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और धन्यवाद किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जैसा कि सबको सर्वविदित है कि हरियाणा में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, परंतु जनता की भलाई को देखते हुए 57 विधायकों के साथ अप्रत्यक्ष बहुमत लेकर सरकार बनाई है, जिसका शपथ ग्रहण दिवाली के दिन हो चुका है और आपसी सहमति से हरियाणा के विकास के लिए कार्य करते हुए प्रदेश में एक स्थायी सरकार देने का कार्य करेंगे। इस सारे अभियान में आप लोगों के सहयोग के बिना वास्तव में इस अभियान का प्रचार प्रसार संभव ही नहीं था, लेकिन आप लोगों ने करनाल में मेरी अनुपस्थिति को भी जिस प्रकार से आपने इग्नोर करके और मेरे यहाँ कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को बहुत अच्छे प्रकार से प्रसारित किया, और मैं भी जब कभी आया तो उसमें भी आप लोगों ने एक उचित जिसको कहना चाहिए सहयोग अपना दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। रिजल्ट्स आपको पता ही हो गए हैं कि करनाल तो हम अच्छे मार्जिन से जीते ही हैं। हरियाणा में 40 सीटें हम लोगों को मिली, जो निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत से 6 कम रही, और हमने अंतोगत्वा जिसको कहना चाहिए कि अप्रत्यक्ष बहुमत 57 सीटों का कुछ लोगों ने मिल करके बनाया, तैयार किया, और उसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा में सरकार बनाई है। कल उसका शपथ ग्रहण हुआ है और आपस में बातचीत करने के बाद ये तय किया है कि जो भी कोई विषय होंगे वो आपसी सहमति के आधार के ऊपर हरियाणा के हित में एक स्थायी सरकार देने का हम प्रयत्न करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो दो ही शपथ हुई हैं, आपको पता है, अब बातचीत करके और हो सकता है कि हम अपना सेशन जो है वो अगले हफ्ते में सेशन करेंगे विधायकों की, जिसमें शपथ होगी उसके तुरंत बाद। कई विचार आए हैं, आपस में मिल बैठ करके विचार करके कोई ना कोई एक सहमति के आधार पर कोई एक समिति बनाएंगे। हाँ, एक समिति बनाएंगे जिसमें दोनों, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि एक सरकार देना एक जनता के हित में होता है। अब ये चूँकि जनता अगर स्पष्ट बहुमत देती किसी को तो सरकार उसकी बनती, क्योंकि जनता ने ही एक फ्रैक्चर मैंडेट दिया है तो उसमें एक सहमति बनाई जाती है और सहमति बना करके जनता को एक सरकार देनी होती है। सरकार बनाने के बाद फिर अगले प्रतिनिधि होते हैं कि ये सरकार जो है स्थायी चले, लंबे समय तक चले, और कम से कम दोनों ओर के जो कॉमन प्रोग्राम्स हैं जिसको कई बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह देते हैं उसके ऊपर हमने देखा है। हमारा अपना भी जो संकल्प पत्र है, उनका भी जो जनसेवा पत्र उन्होंने निकाला है, उसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। तो मतदान कम हुआ है, सीएम साहब क्या मानना है? कई उसके कारण गिने जा सकते हैं। एक तो सोमवार का मतदान ये ध्यान में आया कि शायद उचित नहीं था, क्योंकि दो छुट्टियाँ शनिवार रविवार की होती हैं, सोमवार साथ में छुट्टी जुड़ गई, जब तीन छुट्टियाँ हो जाती हैं तो खास करके शहरी मतदाता थोड़ा सा इसमें लापरवाही करता है। अब ठीक है, नहीं करना चाहिए, अब इसमें और तो कुछ कह नहीं सकते, कंपल्शन तो किसी को की नहीं जा सकती। दूसरा उस दिन एक त्यौहार था, होई माता का व्रत, खासकर अपने यहाँ शहरों में महिलाएं जो हैं उस व्रत को रखती हैं और शाम को 4-5 बजे तक ही वो फ्री होती हैं। अब जब 4-5 बजे महिलाएं फ्री होंगी तो स्वाभाविक है कई बार महिलाएं उसमें से वोटिंग करने के लिए नहीं जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये दो कारण मुख्य ध्यान में आए हैं, बाकी कोई बड़ा कारण ध्यान में अभी नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी, आपकी ये पॉलिसी रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन अब पर्ची खर्ची वाले लोगों के साथ सरकार बनानी। देखिए, मैंने बताया जैसे एक कहावत है कि लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। जब हमने जनता को एक स्थायी सरकार देनी है तो उसमें जो हमारा एजेंडा जो है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे कि एक साफ़ सुथरी सरकार हमको देनी है। तो साफ़ सुथरी सरकार के लिए कोई भी बातचीत जो हमको करनी होगी उनको बैठ करके बात करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि भी थ्योरेटिकली इसमें किसी को कोई आपत्ति होती है। तो इसमें अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल किसी को आपत्ति नहीं होती है, लेकिन बाकी चीज़ें व्यवस्थाओं पर निर्भर करती हैं। अब व्यवस्थाओं में हमने बहुत सी चीज़ें बंद की हैं,
जैसे इसका सबसे बड़ा दोष था वो ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यू प्रथा होती थी। आखिर जहाँ कहीं गड़बड़ होने की संभावनाएं तो इंटरव्यू में होती हैं। हमने जब इंटरव्यू को ही ख़त्म कर दिया ग्रुप सी और डी में, तो फिर वो विषय कहाँ बचेगा। अब रह गया केवल एक परीक्षा लेने का सिस्टम। परीक्षा लेने के सिस्टम को हम इतना मजबूत कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई कमी संविधान में आएगी तो उसको मजबूत करेंगे ताकि परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही उनको योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। ऐसा नहीं है, मैं इसे सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ कि आपने अगर ध्यान किया हो तो 8% मतदान कम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वोट 33% से 36% हुआ। अगर 3% मतदाता बढ़ा है तो आखिर पार्टी के प्रयत्नों के कारण से भी बढ़ता ही है। कोई मतदान हमारा शेयर घटा नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी सीट पर 90 में से हमारा जो हारा हुआ कैंडिडेट चाहे वो थर्ड प्लेस पर भी रहा है तो भी किसी स्थान पर 20,000 से नीचे अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई, मैंने बता दिया, सारी बात बता दी पहले, आपको ध्यान में आ गया, रिपीटिशन का फायदा नहीं। मैंने आपको बता दिया कि हम दोनों के जनसेवा, जो उनका जनसेवा पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है, उसको मिलान करके जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है उसको तो लागू कर ही देंगे। अगर किसी चीज़ में अंतर है तो वो बैठ करके विचार करेंगे। हमें कुल मिलाकर के जनहित, हरियाणा की जनता का हित, ये सर्वोपरि है। कोई किसी चीज़ पर बिल्कुल अडिग रहना कि यहाँ नहीं हमने बोला तो ये होना ही होना चाहिए, करना संभव होगा तो हर प्रकार का काम करेंगे। मान लो कई कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, उस कंस्ट्रेंट में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है बजट का। अब आखिर बजट के बिना तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं की जा सकती। बजट में ये होता है कि अगर हम बजट बढ़ा पाए, अब बजट बढ़ाने में भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि टैक्सेशन का अब बहुत बड़े अधिकार हरियाणा सरकार के पास नहीं रहे। पहले सबसे बड़ा सोर्स होता है वैट होता था, वैट का अधिकार हरियाणा सरकार का समाप्त हो गया, किसी भी राज्य सरकार का समाप्त है। GST का निर्णय केवल GST काउंसिल करती है। GST काउंसिल जो GST लगाते हैं उसमें 50% हरियाणा को मिलता है, यानी प्रदेश को मिलता है, 50% सेंटर को मिलता है। अब विषय बचता है दो, या तो एक्साइज में क्या हम चाहेंगे कि भी हम शराब के बिक्री को या शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाएं और शराब के ज़्यादा सेवन कराएं, ये बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है, ना हमारे जन उसमें संकल्प पत्र में, ना उनके संकल्प पत्र में, तो वो रास्ता बंद है। फिर रहता है कि केवल पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट बढ़ाने का अधिकार प्रदेश सरकार को है, वो बढ़ाने के लिए बिल्कुल कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए जाए उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि कितनी बातें हम आगे लागू कर सकते हैं। चालान के रेट को लेके भी बड़ी बात आती, चुनाव में उसका भी गुस्सा लोगों ने निकाला। मोटर व्हीकल क्या विचार करेगी अब सरकार? अभी चूंकि कल शपथ हुई है, इसके बाद किसी बात पर हमने जिसको कहना चाहिए डिटेल विचार नहीं किया है। अब आगे आज से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो एक एक दिन करके पहला काम अब सेशन 4-5-6 संभावना है, क्योंकि अभी कैबिनेट मीटिंग होनी है हमारी, तो उसमें हम एक डेट जो है प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि विद इन 1 वीक हम चाहते हैं हमारा हो जाए। 2 को असेंबली पिछली समाप्त हो रही है, 2 नवंबर को, 2 नवंबर उसकी डेट है 5 साल पूरे होने की। अब उसके बाद कभी भी सेशन अर्लीस्ट पॉसिबल जो होगा हम करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों का विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णनगर पूर्वसिनी डिप्टी मेयर करनाल, मैं करनाल की जनता का और हरियाणा की जनता का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताने के लिए दोबारा मनोहर लाल जी के कार्यशैली को देखते हुए उनकी फेवर में वोट करके उनको जिताने के लिए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि दोबारा से श्री मनोहर लाल जी में विश्वास जताते हुए उनका मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दोबारा फिर पार्टी का संगठन में कार्यशैली देखते हुए, हरियाणा में काम को देखते हुए, मुख्यमंत्री
दोबारा मोरूलाल जी को बनाने के लिए जो उन्होंने स्टैंप लगाई है, मोर लगाई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा में जिन्होंने अपनी ईमानदारी, निष्ठावान, सभी हरियाणा के सारे एरिया में समान विकास और नौकरियों में जो पहले धांधली होती थी उसको छोड़कर मेरिट पे नौकरी देने का कार्य जो किया, इसी को देखते हुए जनता ने इनको दोबारा फिर चुना। मैं एडवांस में हरियाणा की जनता को फिर बधाई देता हूँ कि मनोहर लाल जी पे विश्वास जताते हुए इन्होंने विधायक बनाया करनाल की जनता ने, और आगे मुख्यमंत्री हरियाणा का पद संभालने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से, दवाली और भैया दूज की करनाल की जनता को और हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी इस पर्व पर सभी के घर में खुशी रहे, श्री गणेश माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और सबके घर में खुशी रहे। धन्यवाद। मैं मोनिका गर्ग वार्ड नंबर 12 से सभी करनाल वासियों को अपने परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और भैया दूज की भी मैं शुभकामनाएं देती हूं। श्री गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी जी सभी करनाल वासियों पे अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्र वधू और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मच और मेहनती तथा लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्र वधू और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मच और मेहनती तथा लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग, भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्र वधू और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मच और मेहनती तथा लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।